तो ये 9 EMA जब इसको 20 को क्रॉस करे मेरा ट्रेड क्रिएट हो जाए, तो मैं ट्रेड ट्रॉन में बहुत इजीली ये कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि 9 EMA 20 EMA के क्रॉस हो जाए, और एक और कंडीशन मुझे डालना है कि -2 कैंडल इसके नीचे थी, तो -2 कैंडल वॉज लेस देन, यानी कि पिछली कैंडल में कम था, इस कैंडल में क्रॉस हुआ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। इसका मतलब कि यहां पे ये नीचे था 9 EMA और यहां पे ऊपर आ गया, तो -1 में नीचे था, -2 में नीचे था, -1 में ऊपर आ गया। ओके, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे सेट की है, एकदम इजी कंडीशन है, कुछ ज्यादा हाई फाई फंडा नहीं है, कि -1 में 9 EMA 20 के नीचे था, तो यहाँ पे -2 लिख दिया, यानी कि पिछली कैंडल में वो मोर था और इस वाली कैंडल में लेस हो गया। तो ये क्या सेटअप बन गया, सेल का सेटअप बन गया, 9 EMA ने 20 EMA को काट दिया ऊपर से। मैंने ये कंडीशन डाल दी -1 की, अब ये कंडीशन सेट हो गई, और इधर बोल दिया जब भी ये चीजें ट्रिगर हो तो आप जो बाय करना है आपको, समझ लो NFA में पुट बाय करना हो करंट वीक का, एक लॉट एक क्वांटिटी, ATM जो भी है, FX लगा के आप अपना जो भी स्ट्राइक चाहिए वो भी पता कर सकते हैं, ला सकते हैं, पर ATM करके मैंने सेव कर। करंट वीक, तो यहाँ पे एक कंडीशन बन गई कि ये जब भी क्रॉस होएगा ये बाय हो जाना चाहिए। अब इसका उल्टा एग्जिट कंडीशन इसकी उल्टी हो जाएगी, तो वही पेस्ट कर दिया और लेस को मोर कर दिया और मोर को लेस, यानी कि इसका उल्टा कंडीशन हो जाए तो एग्जिट कर दो, सिंपल। अब जो सेल की कंडीशन है, तो जैसी सेल होगा तो दूसरा कॉल बाय हो जाना चाहिए, उल्टी कंडीशन इधर आ गई, यही कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, जो उसका सेटअप था उसका उल्टा सेटअप सेल के लिए बना दिया, और ये बाय के लिए था, और यहाँ पे पुट की जगह कॉल कर दिया, सिंपल। यहाँ पे ये जैसे ही क्रॉस डाउन करे तो पुट बाय हो, और क्रॉस अप करे तो एग्जिट हो जाए, एट द सेम टाइम कॉल भी बाय हो जाए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मैच है। ओके, मैच है मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है जैसे ही मोर हो जाएगा 9 EMA 20 के तो एग्जिट करो, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन बोल रही है मोर हो जाए तो आप कॉल भी बाय कर लो, उल्टा ट्रेड क्रिएट कर दो। ओके, सो उसका एग्जिट उसका अपोजिट, और इधर मैंने बोल दिया कि भाई टाइम अगर 9:15 से ज्यादा हो जाए तो तुम भाई पूरा सब ट्रेड कैंसिल कर दो, NSE का जो भी टाइम है। 1 सेकेंड, टाइम अगर मोर देन नंबर 15:15 यानी 3:15 हो जाए तो आप जितने भी ट्रेड चल रहे हैं उसका यूनिवर्सल एग्जिट कर दो, सभी को एग्जिट कर दो जितने भी पोजीशन है, ताकि वो नेक्स्ट डे पे ना जाए। अब ये जो कंडीशन है मार्केट प्लेस है, ये कंडीशन चेकिंग 1 मिनट पे ही करना है, कैपिटल आपकी 10,000 समझ लो लगी है, और बस आप इसको क्रिएट कर, और अब आपको क्या करना है, माई स्ट्रेटेजीज बनाना है और इसको अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर देना है, तो आपका जो प्लान होगा उस हिसाब से वो डिप्लॉय हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा डिप्लॉयड है, इसके लिए इसमें नहीं कर रहा है बहुत सारी। तो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हमारा ब्रोकर इससे कनेक्ट हो जाना चाहिए बस, तो ब्रोकर की सेटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, एक बार वन टाइम आप जो जो भी ब्रोकर है इससे कनेक्ट करवा दो, और इफ यू नीड एनी हेल्प आई कैन डू इट, और नहीं तो इसके बहुत स्टैंडर्ड हैं, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टीज फेस नहीं होती है, तो आपको इस तरह से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी मिल रही है, जब जब वो क्रॉस करेगा तब तक ट्रेड क्रिएट होगा, और जैसे इसने यहाँ पे ट्रेड क्रिएट किया और यहाँ पे एग्जिट किया, तो इस तरीके से
ये ट्रेडिंग चलता है। तो वन सेकेंड, वो आज का जो बेसिक था वो तो इस पे ही था कि क्रॉस ओवर पे हमको कैसे काम करना है। ऐसी अनगिनत स्ट्रेटेजी जो आपके माइंड में चलती है वो आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके बहुत सारे कीवर्ड हैं। जैसे इसका मैंने एक कीवर्ड बताया ईएमए का, तो हर एक चीज के इसमें कीवर्ड है। वो कीवर्ड आपको अगर आ जाते हैं तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे ही इधर डालेंगे तो ये सब कीवर्ड हैं उसके, देखिए आप ये सारे कीवर्ड हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको खाली आपको अपना लॉजिक मालूम होना चाहिए करना क्या है, और आपको बस हिसाब से सेटअप कर देना है। और उसको आपको अगर समझना है कि ये चीज मेरी सही है कि नहीं, तो आप जाके इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। एक बार बैक टेस्ट करने का ये सब 23 रुपीज लेते हैं, ज्यादा कुछ इसका चार्जेस है नहीं। और इसमें ट्रेडट्रॉन में काफी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। जैसे ये मार्केट स्टार है, इन्होंने 107 करोड़ तक क्रिएट कर लिया है। ये इनके स्ट्रेटेजीज हैं जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। इसी तरीके से हमने भी कई 4-5 स्ट्रेटेजी बनाई है, पर हमारा कोटा जो लिमिटेड था तो हम लोग ने लिमिटेड लोगों के साथ अभी काम शुरू किया है। सो दिस इज आवर वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। लेट मी शो यू दिस। सो इसके रिटर्न्स इस प्रकार रहे हैं, आप देख सकते हैं 573 रुपीज, 10 रुपीज, ये 40,000 पे रिटर्न है। 40,000 पे 573 का मतलब होता है 1.5% दिन का। 10 रुपीज, 522, 83, 500, 252, फिर तो इस तरीके से इसके रिटर्न्स आते हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और डेफिनेटली ऐसे इसमें बिना इमोशन के और बिना किसी टेंशन के इवेंट बेस्ड सेटअप्स को पकड़ सकते हो और काम कर सकते हो। इसमें जो पहला जो सीरीज था, आज तो मैं इतना ही कवर करूंगा, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर का आज था। तो अभी वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, तो इतना ही आज का प्लान था, 30 मिनट्स का। अगर क्वेश्चंस है तो बताइए, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे के सेटअप्स पे यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, गो अहेड। अनम्यूट भी कर सकते हैं किसी को डाउट होगा तो। जैसे हमारा ईएमए का कंडीशन था, तो एवरी टाइम इट क्रॉस ओवर इट विल बाई, एंड एवरी टाइम इट विल क्रॉस डाउन इट यस विल यस सेल द पोजीशन। यस 100%, इट इज गोइंग टू डू ट्रेडिंग एज पर आवर सेटअप्स। मिड वे में कुछ भी नहीं करेगा, जैसे इसे मिलेगा वो ट्रेड कर ही देगा। तो आज तो बहुत बेसिक सा था, स्टार्ट ही कर रहे हैं। जैसे इसके लिए हम लोग ने व्हाट आर द थोड़ा सा कंडीशन इसका टाइम भी बहुत, 1 ही मिनट बचा है। अगर करना है तो कर सकते हैं, कल नहीं तो कल एक सेशन करेंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन था खाली, इलेक्ट्रॉन कैसा काम नाइस। करता है, क्या चीज है, और कोडिंग क्या चीज होती है, ठीक है। चलो लेस देन 1 मिनट बचा है, वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए बाय।